गुड स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज लॉस्ट स्प्रिंग द लेसन रिटन बाय अनीस जंग। इस चैप्टर में लेखिका ने बताया है उन लोगों का जीवन जो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं। विशेष रूप से फिरोजाबाद का वर्णन इन्होंने किया है और उन लोगों का वर्णन किया है जो दिल्ली के सीमापुरी स्थान पर रह रहे हैं और कूड़ा कचरा बीन के अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गारबेज, कहते हैं कभी कभी मुझे इस कूड़े के ढेर में एक रुपये मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब, लेखिका ने एक साहिब कूड़ा बीनने वाले लड़के से पूछा तुम यह क्यों करते हो। साहिब होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गारबेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, लेखिका कहती है कि वो साहिब जो है उससे मेरी मुलाकात हर प्रातः हो जाती है जब वो मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोने को तलाश कर रहा होता है, अर्थात किसी रुपए किसी चीज़ को तलाश कर रहा होता है। साहिब लेफ्ट हीज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हीज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, कहता है कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच जहाँ उनका घर हुआ करता था आज वो घर उसकी स्मृति में दूर तक नहीं है। देर वर मैनी स्टॉम्स दैट स्वेप्ट अवे हीज फील्ड्स, कई तूफान आए जो तूफान उनके खेतों को बहा ले गए एंड होम्स घरों को बहा ले गए। हीज मदर टेल्स हिम, उसकी माता जी ये सब बातें उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट इसी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और सोने की तलाश में बड़े शहर में वे अपने घर से निकल पड़े। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वह इधर उधर देखते हुए इस बात को बुड़बुड़ाता है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, लेखिका बड़ी विनम्रता से कहती है कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत ही लेखिका इस बात को महसूस करते कि उसकी है राय उसके लिए कितनी निरर्थक है। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, कहता है कि जब वे नया स्कूल बना लेंगे तो आई विल गो, मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम आई आस्क हाफ जोकिंग, लेखिका ने हल्का सा मजाक करते हुए पूछा कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। जस ही सेज, मैं कहता हाँ, स्माइलिंग नहीं ब्रॉडली, व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए कहता है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद में मैं उसे अपनी तरफ आते हुए देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, मैं कहती हूँ कि एक स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस्ड, एक वादा करके थोड़ी सी लेखिका उलझन सी में पड़ गई। दैट वॉज नॉट मीन्ड, एक ऐसा वादा जो पूरा नहीं किया, जिसका मतलब पूरा करना नहीं होता है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर इन हिज ब्लीक वर्ड, कहते हैं कि उसके इस ब्लीक वर्ड में, उसके इस अंधेरे रूपी संसार के किसी न किसी कोने के अंदर मेरे जैसे किए हुए वादे बहुत प्रचुर मात्रा में होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उससे मुलाकात होने के महीनों के उपरांत आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम, उसने अपना नाम साहिब ए आलम बताया। ही अनाउंसेस, वह बताता है। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वह इसका मतलब नहीं जानता। इफ़ ही न्यूज इट्स मीनिंग, अगर वह इसका मतलब जानता होता, इसका मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का मालिक अर्थात भगवान, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो मुश्किल से ही इसके ऊपर विश्वास शायद कर पाता। अनअवेयर ऑफ वट हीज नेम्स रिप्रेजेंट, वह अपने नाम के अर्थ से बिल्कुल ही अपरिचित है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों के साथ में गलियों में आवारा घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, नंगे पाँव रहने वाले लड़कों की एक आर्मी। हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों के समान तो दिखाई देते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ, महीनों के उपरांत आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मेरी मुलाकात उन में से प्रत्येक से हो गई थी महीनों के उपरांत।
Why aren't you wearing चप्पल? I ask one. मैं एक से पूछती हूँ, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? My mother did not bring them down from the shelf. ये आंसर सिंपली, उसने साधारण तौर पे जवाब, देख मेरी माता जी ने, मेरी माँ ने उन चप्पल को अलमारी से नीचे उतार कर मुझे नहीं दिया. इवन इफ सी डिड, अगर उसने उतार कर दे भी दिया होता, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो उन्होंने उन चप्पलों को उसने भगा दिया होता, मैं भगा देगा. एट्स अनदर, दूसरे बच्चे ने इस बात को कहा, हु इज वेयरिंग शू, जिसने जूता पहना हुआ था, जिसने जूते पहने हुए थे, दैट डू नॉट मैच, जो जूते आपस में मैच नहीं कर रहे थे. वैन आई कॉमेंट इट, जब मैंने पूछा इस जूते के बारे में, हीज फल्स हीज फीट, तो उसने अपने पाव को ऐसा ही जमीन पर रगड़ा, एंड सेज नथिंग, और उसने मैं कुछ नहीं कहता, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए. सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ा जूता प्राप्त नहीं किया था. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे कंट्री के अंदर यात्रा करते हुए मैं इन नंगे पाँव घूमते हुए बच्चों से परिचित हो चुकी हूँ. इन सिटीज, नगरों में, ऑन विलेज रोड, गांव के सड़कों पर. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे का अभाव नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, यह एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव रहने की. इज वन एक्सप्लेनेशन, एक लड़का ऐसी व्याख्या देता है. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे तो हैरानी होती है कि क्या यह तो केवल एक बहाना लगता है. टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक निरंतर चलती हुई निर्धनता को बखान करने की यह मात्र एक बहाना है. आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी याद आती है जो उदीपी का रहने वाला था, जो मुझसे बताई गई थी एक बार. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, जब मैं छोटा बच्चा था तो वह स्कूल जाया करता था. पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, उसके रास्ते में एक पुराना मंदिर था. वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसका पिताजी एक पुजारी था. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह उस मंदिर के सामने थोड़े समय के लिए रुक जाता, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ जूते के लिए प्रार्थना करता था. 30 years later, 30 वर्ष के पश्चात में, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके नगर की यात्रा की, एंड द टेम्पल, उस मंदिर की यात्रा की. विच वाज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब निराशा के इस माहौल में डूब चुका था. इन द बैकयार्ड, पीछे आंगन में. वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर नई लाल और प्लास्टिक कुर्सियाँ थी, सफ़ेद वहाँ पर. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का जिसने एक हल्की रंग की जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. वेयरिंग सॉक्स, जुराबे पहनी हुई थी, एंड जूते पहने हुए थे. अराइव्ड पेंटिंग, वह हफ्ता हुआ आया. एंड थ्रो ही स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बैग, उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड के ऊपर रख दिया. लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखते हुए. आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गुडेस्ट, तो लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, लेखिका कहती है कि उसे एक दूसरे प्रार्थना करने वाले बच्चे की याद आई, जिसने देवी से प्रार्थना की थी. वैन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंततः एक जोड़ा जूता मिल गया. लेट मी नेवर लूज देम, मैं इनको कभी नहीं खोने दूंगा. द गुडेस्ट हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, वो युवा लड़का उस पुजारी के लड़के के समान, वो शू जूते पहना हुआ था अब. बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन कई दूसरे उन रैग पिकर के समान जो कि मेरे पड़ोस में थे, अभी भी जो कि मेरे पड़ोस में हैं, वो अभी भी जूते रहते हैं, अर्थात उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, कहते कि इन नंगे पाँव वाले रैग पिकर से मेरी मुलाकात मुझे सीमापुरी तक लेके जाती है. सीमापुरी
प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा के ऊपर एक जगह है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यहाँ से दिल्ली से मिलो दूर, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, कहते कि जो कोई भी यहाँ पर रहता है वो बांग्लादेश से 1971 में आया था, साहिब्स फैमिलीज इज अमंग देम, साहिब की परिवार भी इनमें से एक है, सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, सीमापुरी उस समय एक निर्जन स्थान था, इट स्टिल इज यह अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी खाली नहीं है, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि मिट्टी के घरों में, विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपिन यानी कि टर्पोलिन और टीन की छतों के साथ, डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर किसी प्रकार कोई सीवर नहीं है और ड्रेनेज नहीं, कोई नाले नहीं है, पानी और रनिंग वाटर और पानी ऐसे ही बहता है, लिव 10,000 रैग पिकर, इस जगह पर अब 10,000 के आसपास जो है रैग पिकर रहते हैं, दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पर 30 वर्षों से ज़्यादा समय से यहाँ पर रहे हैं, विद एन आइडेंटिटी, एक पहचान के साथ, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास अपने आप में एक राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिस राशन कार्ड की वजह से उन्होंने गेहूँ या कोई भी खाने का अनाज मिल जाता है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कहा जाता है कि भोजन जीवित रहने के लिए किसी पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, दिन के लास्ट में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अर्थात रात होने पर हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, गो टू बेड विद एन एचिंग स्टोमक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, और सोने के लिए जा सकते हैं बिना पेट में दर्द महसूस करते, बिना भूखे पेट हम सोने के लिए जा सकते हैं, वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देता था, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, फटी पुरानी साड़ी पहने हुए औरतों का एक समूह यह बात कहता है, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपना सुंदर हरा भरा और नदी वाला खेत जमीन क्यों छोड़ दी, व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी उन्हें भोजन मिल जाता है, जहाँ कहीं भी उन्होंने भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे वहीं पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट, ये घर उनके चलायमान होते हैं, अस्थिर घर होते हैं, चिल्ड्रन गो अप इन दैम, बच्चे उन घरों में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, उन्हीं कठिनाई से जीवन यापन करने वाले के भागीदार बन जाते हैं, द सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, कहता है कि सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब है रैग पिकिंग करना, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कहते वर्षों बीतने के उपरांत इस जगह ने एक सुंदर कला का अनुपात भी प्राप्त किया है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन लोगों के लिए कूड़ा कचरा अपने आप में एक सोने के समान है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी आजीविका, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनकी छत की उनके सरों के ऊपर एक छत है, इवन इफ इट इज ए लीकिंग रू, बेशक से हैं लीक करने वाली छत क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए हैं बहुत कुछ है, आई समटाइम फाइंड ए रुपी, कभी कभी मैंने एक रुपये मिल जाता है, इवन 10 रुपीज नोट, कई बार मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आँखों में चमक आ जाती है, व्हेन वी कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब हमने कूड़े के ढेर के अंदर एक सिल्वर का सिक्का मिल सकता है, वी डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो हम खोजना रोकते नहीं हैं, फॉर देर इज ए होप और फाइंडिंग मोर, क्योंकि और ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है, इट सिम्स दैट फॉर चिल्ड्रन,
ऐसा लगता है बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ा कचरा का यह ढेर उनके माता पिता से अलग मीनिंग रखता है, अर्थात बच्चों के लिए कूड़ा करकट का ढेर अलग मीनिंग रखता है और उनके माता पिता के लिए कूड़ा कचरा का ढेर अलग मीनिंग रखता है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैपड इन वंडर, हैरानी में लिपटी हुई। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैपड इन वंडर, यह अपने आप में एक हैरानी है। फॉर एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए अपने आप में यह एक आजीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक शीत प्रातः के दौरान, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक शीत ऋतु की प्रातः मैं साहिब को पास के क्लब के गेट के पास में खड़ी हुई देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वह देख रहा है उन दो युवा व्यक्ति को जिन्होंने स्पेस ड्रेस पहनी हुई है, ड्रेस्ड इन वाइट, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है, ही हम स्वयं बुड़बुड़ा कर कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह केवल इस फेंस के पीछे खड़े होकर देख कर ही संतुष्ट है। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह इस बात को कहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है वह मुझे उस झूले को यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट, जो उसके धूमिल पड़े शर्ट के कलर और उसके शॉर्ट से मैच नहीं करते। सम वन गेव दैम टू मी, किसी ने मुझे ये दे दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह ऐसा एक व्याख्यात्मक तरीके से कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई तो यह है कि किसी अमीर लड़के ने इन जूतों को फेंक दिए थे। हु प्रेप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने इन जूतों को पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इनमें से किसी एक में एक छिद्र हो गया था। एंड डज नॉट बोदर हिम, लेकिन ये छिद्र साहिब को परेशान नहीं करता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, वो जो नंगे पाँव चलता है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, अगर उसको ये जूते मिल जाए तो मानो कि उसका तो सपना ही साकार हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन वो खेल जिसको वह देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुँच से दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस प्रातः जो साहिब है वह मिल्क बूथ जाने वाले रास्ते पर चल रहा है। दिस मॉर्निंग, इस प्रातः साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रातः जो साहिब है वह मिल्क बूथ की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ के अंदर एक स्टील का बना पीपा है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, कहता कि अब मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ जो कि रोड के उस तरफ है। ही सेज, में कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उस दूरी की ओर संकेत करते हुए, आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और सारा मेरा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या मैं इस कार्य को पसंद करता है, आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी, मैं उसका चेहरा देखती हूँ। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसको जो वह है उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। द स्टील कनिस्टर सेम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी, सो लाइटर अवर हिज सोल्जर, कहता है वो स्टील का कनिस्टर भारी प्रतीत होता है उसके उस प्लास्टिक बैग से, जिस प्लास्टिक बैग को बड़ी आसानी से अपने कंधे के ऊपर उठाकर ले जाया करता था। द बैग वाज हिज, वो बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, कहते कि जो कनस्तर है वह उस व्यक्ति का है जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब शायद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है।
इसका यह पूरा पार्ट हो गया। इसका जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे, इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।